I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. सेल्सियस टेम्परेचर में मैं यहां से वहां पागलों की तरह भागा जा रहा हूं। कोई इंसान जिंदगी में दो ही चीजों में फेल हो सकता है, पहला करियर और दूसरा प्यार। मैं करियर में तो टॉप पर हूं, पर प्यार के मामले में कहां हूं ये मैं नहीं जानता। जल्दी उतरो, ए जल्दी कर, जल्दी से रस्सी पकड़, गाड़ी लॉक कर दे, सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। आज की रात प्रिंसिपल की हवा निकल जानी चाहिए बस। वो हमको पनिशमेंट देता है, उसकी इतनी हिम्मत? देखो उसे ये रात जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। भैया भैया भैया, वो देखो आपकी फोटो। सिक्स रैंक आया फिर भी पनिशमेंट देता है। अभी उसको मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा, देखते रहना। चलो चलो चलो। ए, प्रिंट आउट निकाला? सुबह निकाल लिया था। और कपड़े? सब सूटकेस में। टिकट बुक करवाया ना? हाँ करवा दिया। सिक्योरिटी? उसको मूवी देखने के लिए भेज दिया है। गुड, चलो चल, आराम से आराम से चल चल चल, ये ले जल्दी, चल 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 चल, कम ऑन कम ऑन, ए आराम से चल। बहुत डर लग रहा है यार, वापस चलते हैं। प्रिंसिपल ने 2 साल तक टॉर्चर किया है, आज कुछ नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। उसे ये लगेगा कि उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज एक धमाका होना ही चाहिए। अरे यार ये तो टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी बदबू है। पकड़े जाएंगे यार। चैलेंज एक्सेप्टेड। जला दे, चलो जल्दी भाग, भाग जल्दी भाग। सिक्योरिटी, यार प्रिंसिपल कहीं एक्शन तो नहीं लेगा? अबे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। या दिस इज माइन। चल ठीक है आदि, बाय, ख्याल रख। चल बाय बाय बाय, चल बाय बाय, टेक केयर। ये आदि जरा 2 मिनट रुकना। क्यों? सुरेश तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। अरे वो तो मैं कहीं भी खरीद लूंगा यार। अरे वो कोई नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वोडका मिक्स ड्रिंक है। अरे मैं आ रहा हूँ, तू बस 1 मिनट रुक। ओके जाना, अबे मोटू जाना, जल्दी लेके आ, जल्दी ला। वाइजाक का कोल्ड ड्रिंक तेरी किस्मत में नहीं है, तेरा बैड लक। चैलेंज एक्सेप्टेड।
तो जीता ही है। ए आदि, अरे मर जाते। Can't you see? You would have died. इतनी खूबसूरत क्यों? बाद में फोन करता। ए रवि, क्या भाई, सब कुछ ठीक है ना? भाई, you won't believe me if I told you what happened. मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ। तेरे कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर में तेरी लाइफ चली जाती, उतना ही ना। ए, इतना करेक्ट गेस कैसे किया? अरे वो मोटू ने फोन किया था। तू दारू के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रहा है? रिस्क लिया तभी तो एक हॉट लड़की से मुलाकात हुई। अच्छा, मैं तो खंभे से टकराने ही वाला था, पर उसने एंजल की तरह आकर मेरी जान बचा ली। खूबसूरत है क्या? खूबसूरत कोहिनूर है भाई, फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। पैसों की जगह उसे तिजोरी में रखना चाहिए, वरना मेरे जैसा कोई उसे उठाकर ले जाएगा। क्या बात कर रहा है ये भाई? हेलो हेलो, सुन लिया क्या? टिकट 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 दिखाओ। ये पकड़िए। ये कैसी बदबू आ रही है? कुछ नहीं है, ड्रिंक है क्या? नहीं तो दे नजर। मेरी है, मैं क्यों दूं? मैं चेक करना चाहता हूँ, दो ना। अरे अरे ए, क्या कर रहे है? अरे सुनो, अरे मुझे दो ना। उसमें दारू थी, सबूत का? सबूत चाहिए। ए, मेरी टिकट 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 अभी ने तो फेंक दी। क्या सबूत है? अरे यार, ऐसे सफर करने वालों को जनरली 500 रुपए का फाइन पड़ता है, लेकिन तुमने मुझे उल्लू बनाया है, इसीलिए मैं शहर से 500 किलोमीटर दूर उतार रहा हूँ तुम्हें। मैं डबल पैसे देता हूँ। नो 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 नो, बाय। और सुनो, डोर क्लोज कर दिए, ट्राई मत करना। चलो आगे बढ़ो, चलो निकलो। देखा, तेरी हिचकी तो मैंने बंद कर दी, लेकिन तेरी ट्रेन नहीं रोक पाया ना मैं। अबे कबला ना रही, इतनी रात गए कहाँ जाएगी? हेल्प 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 मांग रही है। अरे क्या कर रहे तू? देखो प्लेटफॉर्म से ट्रेन तो निकल गई, लेकिन तुम्हारी आवाज अभी भी नहीं निकल रही है। अगर हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ ना। हटो हटो हटो, आने बे। पागल है क्या? फिर से मिस हो गई। ए, तुम यहाँ कैसे? हेलो, क्या हुआ? 100 रुपए के लिए उस टीसी ने तुम्हें भी उतार दिया? ये तो खाली है, तुम क्या कर रही हो? अबे ओए, ये लो बांट लो। थैंक यू सर। अबे ओए, भिखारी समझा क्या? तो फिर तेरी तो क्यों रे, द्रौपदी को बचाने के लिए श्री कृष्ण बनकर आया है तो? अंकल, श्री कृष्ण द्रौपदी के भाई लगते थे ना? हाँ। तो मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो राम समझ लो। ए हीरो, तू अकेला नहीं है, हम सब कतार में है, और इसका नंबर पहला है। बीच में घुसना है तो लड़ना पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। इतने जल्दी? एक गेंडे उठना रे। अबे
ऐसे थोड़ी मारते किसी को भी। सपोज रावण जी सीता जी को उठाने आए थे, तब अगर राम जी घर पर होते तो वो रावण का क्या करते? वो तो उसको मार डालते। अबे क्या रामायण चल रही है क्या यहाँ पे? पकड़ और धो डाल इसको। कम ऑन, मार इसको, मार मार। अबे ये भी गिर गया। अबे तू जा, तू जा, तू जा आगे। नहीं मार, पकड़ पकड़। क्या क्या भी? मैं देख क्या रहा है, मार रहा है इसको, मार। अबे एक एक करके मत मारो, सारे एक साथ मारो उसको। मार भाई, मार मत भाई, भाई मार मत। अबे भाई, मार ना, भाई, क्या देख रहे भाई, बोलना भाई। अबे मार भाई, अबे ऐसे 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 झुका के मुझे मत मारना भाई, भाई मुझे ऐसे झुका के मत मारना प्लीज भाई, मुझे मत मारना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, रामायण में श्री कृष्ण ने क्या कहा था याद है ना? रामायण में कृष्ण जी ने, महाभारत में कृष्ण जी थे बे, रामायण में राम जी और रावण थे। तू जैसे अबे सुन बे, व्हाट्सएप पे तुझे अपना लोकेशन भेज रहा हूँ, अपने सारे आदमियों को यहाँ पर कर, अपने साथियों को करो। क्यों बे, उन्हें बुलाकर मुझे पिटवाएगा? मैं पिटवाऊंगा। अबे मेरा फोन तोड़ दिया तूने, 15,000 का फोन था मेरा, मैं नहीं फाइट करूंगा तेरे साथ। नहीं करेगा? करता रहे, करता रहे, लेकिन मेरा हाथ टूट गया, छोड़ना छोड़ना। तूने बोला था ना फाइट करेगा। अबे रुक यार, क्या नई नई जगह पर ढूंढ के मार रहा है तू? अबे रुक ना यार, ऐसे मत कर। सीता, देवी माँ माफ कर दो। देवी है ना, देवी जैसी लड़की को रुलाता है, रुलाता है, रुलाता है। रुक जाओ। भाग। मेरे भेजे का दही बन गया। इतना जोर से मारना जरूरी है क्या? गुस्सा आया तो मार दिया। अरे आधी रात को क्या हो रहा है? शो खत्म हो चुका है। हेलो, आई एम आदित्य। थैंक्स नहीं बोल रही हो, कम से कम नाम तो बता दो। ट्रेन में मैंने बचाया, तुमने थैंक्स बोला? थैंक्स। वर्षा। वर्षा, नाइस नेम। वर्षा हैदराबाद? हैदराबाद में कहाँ? ओह ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें हीरो बहुत सारे क्राइम्स करता है पर उसे सजा ही नहीं होती। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तुम्हें पसंद है? तुम सेडिस्ट हो गया? नहीं मैंने ऐसे ही कहा। तुम जानते हो मैं कितनी टेंशन में हूँ, मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि बस बोले ही जा रहे हो। टेंशन क्यों? टेंशन क्यों? पहली बार मैंने इतने सारे गुंडों को इतने पास से देखा। बेचारी। डर के मारे रोना आ रहा था। मैं कितनी टेंशन में हूँ। Hey, it's okay. घर वालों से बात कर लो। क्यों बात करूं? मैं जो टेंशन में हूँ वो घर वालों को भी दे दूं। मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो मामा। hey! हेलो कौन बोल रहा है? अरे वो मेरा फोन है। हेलो मामा। ए कौन है वो लड़की? माँ वो वर्षा है, गलती से फोन उठा लिया था। गलती से? एक बार उस लड़की को जरा फोन तो दो। अरे माँ ऐसे कैसे फोन दूँ, अजीब लगेगा। मैंने कहा ना फोन दो। ओके माँ बात करो। मैं क्यों करूँ? अरे कुछ नहीं होगा, बात करो। हेलो आंटी, वो मुझे लगा मेरा फोन है तो मैंने आंसर कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ कर क्या रही हो? ट्रेन मिस हो गई आंटी। और मेरा बेटा? उसकी भी मिस हो गई ना। क्या ट्रेन मिस हो गई? क्या ट्रेन मिस हो गई क्या? इसीलिए कहता हूँ फ्लाइट से आ। तुम्हारा मतलब है कि दोनों की ट्रेन मिस हो गई? नहीं आंटी, मेरी इस स्टेशन पे मिस हुई है और इसकी दूसरे स्टेशन पे हुई। मुझे तो क्या माँ, कैसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रही हो? ए आदि। अरे माँ घर आकर सब समझाऊंगा ना। ठीक है, लेकिन पागलों जैसी कोई हरकत मत करना। ओके माँ बाय। बाय बेटा।
ए, तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? माँ का नाम फोन पर दिखा तो मैंने उठा लिया। मेरे फोन पर? ये सारी टेंशन ना तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ओके, तुम्हारी टेंशन कैसे दूर करूं? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दूर जाकर बैठो। ओके। यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने तो कहा था। अरे दूर बैठने को बोला था, लेकिन इतना दूर नहीं, पास में लेकिन थोड़ा दूर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे अरे वापस दो ना। ओह शिट, ऑलमोस्ट हाई स्कोर होने वाला था। तुम भी ना जली ना। हाँ? जब तुमने मेरी बुक का क्लाइमेक्स बताया था ना, तब भी मुझे ऐसे ही लगा। अरे, मैं तो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मुझसे बात करना चाहते थे या मुझे फंसाना चाहते थे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं फंसाऊंगा तुम्हें? कोहिनूर हूँ ना। मेरे पिताजी को कौन से बैंक में रखना चाहिए था ये भी बता दो। ओह, तो तुमने सुन लिया था। हाँ। अच्छा, फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। तुम कितने बड़े फ्लर्ट हो। इसमें फ्लर्टिंग बीच में कहाँ से आ गया? फ्लर्ट करना गलत नहीं है, टीज करना गलत है। फ्लर्ट करना गलत नहीं है। डिफरेंस क्या है? जो लड़की को पसंद ना आए वो टीजिंग है, और जो लड़के को पसंद है वो फ्लर्टिंग है। माफ कर दो, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं है, मुझे छोड़ दो। ए, भूख लग रही है क्या? जैसे लाकर दे देगा। हे, क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं। अरे जाने दो, रहने दो। वन सेकेंड। हे, ब्रेड ऑमलेट खाओगी? वन मिनट। वर्षा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यस। मतलब तुम सिंगल हो? ओके देन, आई लव यू। क्या कर तुमने? क्या कह रही हो समझ में नहीं आ रहा, पानी पी लो। ये लो, पियो। तुमने अभी अभी क्या कहा? ओ, सुनाई नहीं दिया, आई लव यू। अरे सुनाई तो दिया, लेकिन सडनली मैं उसका जवाब ऐसे कैसे दे दूं? जो दिल में था कह दिया। हमें मिले सिर्फ एक ही घंटा हुआ। एक्चुअली देखते ही हो गया था, बट कहने में लेट हो गया, सॉरी। अगर ऐसा लगे कि लड़की पट जाएगी तो तुम बोल दोगे, सोचोगे भी नहीं? मैं तो ऐसा ही हूँ। पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक आदमी को समझने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। ओके, टेक योर टाइम, मुझे जान लोगी तो जरूर पसंद करोगी। पसंद आना और प्यार करना एक बात नहीं है। तुम पसंद तो कर लो, प्यार तक मैं लेकर जाऊंगा। इट्स नॉट दैट इजी आदि। ये कैसी बात हुई कि हम अभी ट्रेन में मिले और तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया? मुझे भी ट्रेन में मिलना पसंद नहीं है। आई डिडंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, पर अब विश्वास हो गया है। बारिश भी तुम्हारी तरह है, एकदम से नहीं बरसती,
गरज कर बरसती है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलो आदि, कम ऑन। पर क्यों? ये क्या बोल रहे हो तुम? आदि प्लीज चलो। हाँ? अरे देखो आदि, तुम पागल मत बनो, ये ट्रेन भी मिस हो जाएगी। देखो हम थोड़ी देर पहले ही तो मिले हैं, मुझे सुबह तक का टाइम दे दो, मैं जवाब दे दूंगी। अब तो आ जाओ। वर्षा मेरी आंखों से दूर चली गई, पर मुझे यकीन था कि वो मुझे वापस जरूर मिलेगी। मुझसे 6 कदम दूर थी पर मिल नहीं पाई, लेकिन 600 किलोमीटर दूर आकर मैं उसे ढूंढ लूंगा, मुझे विश्वास था। जहां मुमकिन था वहां हर जगह मैंने उसे ढूंढा। 365 दिन गुजर गए, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वर्षा एक मिस्ट्री बनकर रह गई। हाय राजीव। हाय 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 हेलो। सोचा कॉलेज में नए दोस्त बना लूंगा तो शायद उसे भूल जाऊंगा, लेकिन वर्षा के लिए मेरे दिल में जो प्यार था उसे भुलाना नामुमकिन था। Can we catch up after college? Not interested. यार कब तक तू उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा? दोस्त वही होते हैं जो अगर तुम किसी लड़की के प्यार में अंधे हो जाओ तो तुम्हारी आंखें खोलते हैं। आदि, कॉलेज पसंद आया बेटा? It's good, ma. रवि, तुम्हारा यूएसए वीजा चौथी बार रिजेक्ट हो गया ना? यूके भी रिजेक्ट हो गया। आंटी फिर से अप्लाई किया, इस बार तो हो ही जाएगा, देखना। यार तू यही ज्वाइन हो सकता है, क्यों नहीं होता? अरे मेरा बाप हमेशा टॉर्चर करता है यार, मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। ओके माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। सुनो आदि, अपने सीनियर से झगड़ा मत करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो पापा से कहना, वो प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। ओके माँ, बाय। आंटी आप फिकर मत करो, मैं हूँ ना। ओके बाय। 10 बार उठ बैठ। अरे माफी मांगने से नहीं बचा। अरे ये सीनियर्स तो यहीं पर है। लेट हो गया यार। ए, इधर आवे। क्यों बे, फर्स्ट ईयर में? हाँ। हाँ क्या, सीनियर के रेस्पेक्ट नहीं करता क्या तू? रुक मैं देखता हूँ। डीसीपी तक पहचान, ज्यादा नाटक किया ना तो कंप्लेंट करूंगा। भाई 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 सॉरी भाई, सॉरी भाई। कंप्लेंट करेगा ना? सॉरी बोला ना, करना भाई, छोड़ देगा भाई, भाई। देख अच्छा, वो सफेद कार तेरी है? हाँ मेरी है। मैनेजमेंट कोटा? फ्री सीट। रैंक बोले तो? 6th। फिर से बोल। 6th। क्या जमाना आ गया, बड़ी बड़ी कार में घूमने वाला ये और रैंक इतना छोटा लाया। हम लोग छोटी छोटी कारों में घूमते हैं लेकिन रैंक्स कितना बड़ा लाते हैं। पता नहीं ये समाज किस दिशा में जा रहा है। अच्छा बेडू, अपने बारे में कुछ बता रहे? नाम है आदित्य, नया बैच है, बहुत पैसे वाला है, एमसी में 6th रैंक है इसका। हैंडसम है यार, हाइट 6 फीट है लगता है। हम लोग उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना, हमारे काम आएगा। हम लोग सीनियर हैं, जूनियर के पीछे नहीं पड़ते। बेवकूफ, क्यों? जूनियर लड़के सीनियर लड़कियों के पीछे पड़ते हैं ना। सीनियर लड़कियां जूनियर लड़कों के पीछे पड़े तो? मैं समझ गई, उस सोनू को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। अबे घूर क्या रहे तू, मारेगा क्या? नहीं नहीं क्या बात है रे सोनू,
तुम लोगों ने नए लड़के को पकड़ा है क्या? ओहो, गोदावरी, आज यहाँ पर बह रही हो? ऐसा कुछ नहीं यार, सिक्स्थ रैंक वाला है ना, इसलिए। हमने पहले ही उसको बुक कर लिया है, तू अपना इरादा बदल ले। अच्छा, हमने फिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से सोच लो। अच्छा सुन, इसे अगर हम तुझे दे देंगे तो हमें क्या बदले में गोल्ड बिस्किट मिलेगा? उससे भी ज्यादा। अच्छा बोले तो, फर्स्ट क्लास की सीएसी लड़की के पीछे तू पड़ा है ना? इसकी तो, इसको तो सब कुछ पता है यार। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो गलत फहमी हो गई है। ऐसा है तो फिर मैं चलती हूँ। वैसे तुमने क्यों पूछा? अरे सोनू, अगर ये बात सच होती ना तो इसे वहाँ ले जाती और तेरी उस लड़की को यहाँ भेज देती। बट एनीवे, रुक 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 रुक, एक मिनट, ए जा, लड़का दिया अब लड़की चाहिए। अरे भाई भाई भाई, वो मेरा दोस्त है। जी जी, वो नहीं चाहिए, तू आ। अरे 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 सुनो। ओके दीदी। दीदी चल चल। अरे सुन, चॉकलेट बॉय है यार, सच में ही आस लगाई थी, दीदी बोलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। कितना गोरा है यार, पता नहीं क्या लगाता होगा। उसको लगाने की जरूरत नहीं है, और तू लगाएगी तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आजा 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 आजा, ये शांता है, ये रीटा है, ये संध्या है। ए, दिमाग खराब हो गया है, उल्टे नाम क्यों बता रही है? मुझे दीदी बुलाया, मेरी कितनी जली होगी। इसे दीदी कहा? हाँ दीदी। देखो ये कॉलेज है, यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बहन भाई नहीं। ठीक है सिस्टर। आईफिल टावर की तरह है तू, बैठ जा पहले। क्या रे, तू क्या खुद को संत साधु समझता है? जब से आया है सबको दीदी दीदी पुकार रहा है तू। बस एक लड़की को छोड़कर बाकी सब मेरी बहनें हैं। कहाँ हुआ प्यार? ट्रेन में। पर मिस हो गई। मिस हो गई, कैसे? Useless. उधर लड़की मिस हो गई और यहाँ सारी लड़कियों को दीदी बोल रहे हो, कुछ तो डिटेल्स पता होगी उसके बारे में। नाम और शहर के अलावा कुछ नहीं पता। कौन सा शहर? हैदराबाद। नाम क्या है? वर्षा। एक मिनट, दीदी समझ में नहीं आता। दीदी, लड़की कैसी दिखती है? लंबी सी है, गोरी है, उसके चबी चीक्स हैं और चश्मा लगाती है। अब तू जैसे बोल रहा है, बता रहा है, वैसे एक लड़की है। दीदी प्लीज, दीदी बता दो ना कौन है। दीदी प्लीज, दीदी 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 बताओ ना। बता दियो, बस एक ही कंडीशन है, मुझे दीदी मत बुला यार। ठीक है दीदी, सॉरी दीदी। चल, कहाँ है दीदी? अरे रुक रे, दीदी वहाँ पर देख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसका भक्त है ये? ओम नमः शिवाय। Yes. यही है ना? Yes, yes, thank you. ज्यादा उड़ मत, दीदी बोलकर गया है। देखो मैं तुम्हें रोज दूंगा और आई लव यू कहूंगा, तुम भी मुझे रोज देकर आई लव यू कह देना, ओके? आई लव यू। अबे ये कुछ बोल नहीं रही है। फील नहीं आ रहा यार। क्या फील का क्या करना है, फील का अचार डालना है? सपनों की तरह मेरी जिंदगी में आ गई, आंख खुली तो गायब हो गई। अब इतने दिनों के बाद मिली हो, ये हकीकत है या सपना समझ में नहीं आता। अगर ये सच है तो ये भूल ले लो, अगर सपना है तो कम से कम इस बार मुझे नींद से उठाकर ही जाना। ए, बस कर बे। ए, सीनियर के सामने इतना उछलता है तू? रिलैक्स, मैं इसे पहले से जानता हूँ। जानता है मतलब? बात नहीं करेगा तू? मैंने बात की तो क्या प्रॉब्लम है? बे बात करेगा तो प्रॉब्लम, बात नहीं करेगा तू? बात तो मैं करूंगा। अबे बोला ना बात नहीं करेगा तू? चैलेंज एक्सेप्टेड। अबे चैलेंज किया नहीं तो एक्सेप्ट क्या करेगा तू? हाँ ठीक है, तू एक मिनट तक कॉलर पकड़ के दिखा, लाइफ में कभी इससे बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है भाई, छोड़ दे, बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। क्या हुआ, 10 सेकंड ही हुए भाई, तुझे कॉलेज से निकाल देंगे। क्या हुआ, हाथ कांप रहा है, रोकेगा नहीं मुझे? देख, छोड़ दे प्रोफेसर, हमें निकाल देंगे।
बस कुछ सेकंड और पकड़ लेता तो जिंदगी में कभी बात नहीं करता। बैड लक। अब तो बात करके रहूंगा। तू बात नहीं करेगी, जा भी इधर से। हे, काफी इजी है, तुम समझ जाओगे। हाँ वर्षा, हाय। क्या कर रहा है यार, तसल्ली दे रहा है? अरे नहीं यार, नहीं चाहिए। हे, कैंटीन में जाकर मेरे नोट्स कंप्लीट कर दे। दीदी अभी मूड नहीं है, बाद में लिखता हूँ। मैंने बोला ना कंप्लीट कर। जा। जाता हूँ यार। ए, तू कहाँ जा रहा है? इधर आ। उसकी हेल्प करने। इसमें असाइनमेंट है, कंप्लीट कर दे। दीदी। थैंक्स। अच्छा ठीक है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? बात तो कर सकती हो। सीनियर्स ने देख लिया तो? सीनियर्स से क्या होता है? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, कहीं नहीं मिली। फेसबुक पर भी सर्च किया, बट आई कुडंट फाइंड यू। वो क्या है, आजकल फेसबुक पर लोग अजीब अजीब कमेंट करते हैं तो मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। अजीब लोग मतलब? तुम नहीं, दूसरे लोग। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैंने ऐसा बोला? मतलब पसंद हूँ। क्या मैंने ऐसा बोला? तो कुछ बोलो ना। दरअसल उस दिन मेरे पापा मुझे पिकअप करने आए थे और तुम सोए हुए थे, तो मैंने सोचा। तुम्हें डर लग रहा था? अगर तुम्हारे पापा ना आए होते और मैं जाग गया होता तो? वर्षा, वर्षा बोलो ना प्लीज। दरअसल मुझे नारायण मूर्ति कॉलेज में फ्री सीट मिली थी, लेकिन मैं डोनेशन देकर यहाँ आ गई। क्यों, पैसे ज्यादा हो गए? नहीं, उस दिन जब हम रेलवे स्टेशन पर मिले थे तो मैंने तुम्हारा बैग चेक किया था, तभी मैंने तुम्हारा कॉलेज एडमिशन लेटर देख लिया। ओ, व्हाट? ए, वर्षा, वर्षा रुको, तुम मेरे लिए यहाँ आई हो? ओह माय गॉड, सो यू लव मी? हेलो, आराम से, इतनी जल्दबाजी क्यों? एक्चुअली जिससे प्यार हो अगर वो आई लव यू कहे तो अलग ही किक लगती है। मैं तुम्हें यहाँ केक देने नहीं आई हूँ। तो फिर? सबने कहा था कि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, तो ओके बाय। ओके, लव यू टू। मैंने बाय बोला। अच्छा, मुझे आई लव यू सुनाई दिया? स्टुपिड। लव यू। हे वर्षा, ये रवि है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ओह हाँ, मुझे याद है, उस दिन जब ट्रेन में तुमने किसी से बात की थी वो यही था ना? हाय, नाइस टू मीट यू भैया। भैया? तुम मैंने भैया कहकर पुकार रहे थे ना? मतलब तुम आई लव यू नहीं कहोगी? भाई बोला सेंटीमेंट। हे, उससे बात क्यों कर रही थी? अरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है यार। क्या रे, ऐसे देख रही थी? तुमने सुना क्या? मैंने क्या कहा? मुझे क्लास जाना है। क्लास जाना है? रवि सुन, सुन के भी डिवाइड मत कर। क्लास वास वो सब ठीक है, सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना बिल्कुल नहीं आता तुझे। I'm sorry. क्या है? देख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ इससे? मत, उसके सामने पटने वाली नहीं है तुझे, चल बैठ। क्या स्टूडेंट्स, आज से जो फिजिक्स क्लास होगी उसमें सीएससी वाले और सिविल्स वाले मिलकर बैठेंगे, सो प्लीज एडजस्ट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। अबे वो आ रही है, चल उठ जा। ओहो, अब तो उठना ही पड़ेगा ना। थैंक्स, वैसे सीनियर्स हमेशा छेड़ते रहते हैं, तुम्हें गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉमिस नहीं करूंगा, तुम्हें छेड़ेंगे तो मार खाएंगे। ए, वर्षा का फोन नंबर लिया? अरे यार भूल गया। क्या रे तू भी, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, अगर फोन नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। उसकी जरूरत नहीं है। तुझे क्या मालूम, ये देख कितनी धूल है यहाँ पर, फॉरेन कॉलेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या हुआ, कौन सा नंबर? अरे वर्षा का फोन नंबर था। ऐसा क्या? हेलो, कौन? फोन नहीं किया तुमने?
हर्षा? हाँ। अरे वो गधे रवि ने तुम्हारा नंबर पहुंच दिया। ओह। पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? I have my ways. तो क्या तुम घर पहुंच गए? हाँ। Okay, bye. Okay, love you too. हाँ? Bye बोला मैंने। पता नहीं क्यों फिर से love you सुनाई दिया। Stupid. Love you. Bye. दरअसल मैं लंदन में पैदा हुई और मेरे डैड ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और फिर कुछ सालों बाद मैं यहाँ आ गई। अरे सुनो, मैंने आईटी पेपर्स यहाँ पे रखे थे। मैंने तो नहीं देखे। लेकिन मैंने यहीं पे रखे थे, कहाँ गए? वर्षा, शाम को पिक्चर चले? ठीक है। अरे भाई, यूके वीजा आ गया। क्या? वाह! हे, कांग्रेचुलेशंस! थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अपना ख्याल रखना। ठीक है, चल मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ। अरे नहीं यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, इसका ख्याल रखना। बाय बाय। रवि को मिस कर रहे हो ना? नो, आई एम फाइन। वर्षा, तू अंधी हो गई है क्या? I'm sorry, I'm really sorry. वो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी गलती है, तुम रॉन्ग साइड पे थे। ए, बीच में मत आ तू। देखिए, मुझसे गलती हो गई, I'm sorry. काहे का sorry? लड़की से बात कर, छोड़ मेरा। बदतमीजी मत कर, बदतमीजी से बात मत कर। बदतमीजी से बात कौन कर रहा है? रुक जाओ, जाने दो आदि। यहाँ क्या बात करना है? तू यहाँ आना, फिर बात करते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो आदि, प्लीज। यहाँ देखो, देखो, उसे जाने दो प्लीज। गुस्सा थोड़ा कम कर दो आदि, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। छोटी छोटी बात पर तुम इतने सीरियस हो जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगा। हाँ? अब तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक लड़का अगर लड़की को प्रपोज करे और लड़की कहे कि मैं सोच समझ कर जवाब दूंगी, इसका मतलब उसके माइंड में कुछ फिक्स है, इसीलिए बाद में जवाब देती है। पूछो क्यों? क्यों? जिस तरह तुम्हें आई लव यू बोल के किक मिलता है, उसी तरह हमें तुम्हें अपने पीछे दौड़ाने में किक मिलता है। अगर लड़के हमारे पीछे पड़े रहें, तो कितना अच्छा लगता है पता है तुम्हें? इट्स अ गर्ल्स थिंग, तुम नहीं समझोगे। तो पूरी लाइफ ऐसे घुमाती रहोगी? डाउट है। hey, वर्षा, आज तो बोलना ही पड़ेगा। अगर एक मिनट तक तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो जो तुम चाहते हो बोलूंगी। आदि, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आदि, आदि वो आ रहा है, प्लीज आदि मेरा हाथ छोड़ दो। आदि, उससे पंगा मत लो। आदि प्लीज, आदि छोड़ो। ए, ये सब क्या नाटक चल रहा है? 3, 2, 1। हाँ बोलो। बोलूंगी कहा था, लेकिन अभी नहीं बोलूंगी। ए, कब तक ऐसे घुमाओगी? पता है, उस दिन तुम बस 5 सेकंड मेरा कॉलर और पकड़ देना, जिंदगी भर इससे बात नहीं करता। खेलो। तो तुम आज भी नहीं बोलोगी? नहीं। ए भाई, वो देख आ गए। कब तक ऐसे रुकोगे? मैंने कहा ना, हमें मजा है। इधर आ बे। ए, तू इधर आ। तुम्हें पता है कल क्या है? कल रक्षाबंधन है। कॉलेज को तो कल छुट्टी रहेगी, तो हम सब आज ही मना रहे हैं। तू भी मना ले, बस इसे बांध कर।
थोड़ा कोऑपरेट कर, काम हो जाएगा। मैं नहीं करूंगी। कर बोला ना। नहीं। ए! बोला ना राखी बांध उसे। बोला ना नहीं बांधूंगी। इसे बांधूंगी, इसे और इसे भी। इस कॉलेज के किसी भी लड़के को बांधने को तैयार हूं, उसको छोड़कर। Because I love him. Adi, I love you. Varsha, I love you too. Adve. वर्षा, हम तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? इस टाइम के लिए यही सेफ है। किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, और अगर कार दिख गई तो उन्हें लगेगा कि मैं घर पर हूँ। इसका मतलब हम बड़े आराम से जितना देर चाहे साथ मिलकर हम दोनों क्या बात कर सकते हैं। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं। चॉकलेट खाओगे? आई हेट चॉकलेट्स। और कितना टाइम लगाएगा? वर्षा, कैन आई किस यू? यस यस। नहीं आदि, बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है। वर्षा, प्लीज वर्षा, एक ही किस, बस एक। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो। ओके। एक ही? हाँ ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे, कुछ नहीं okay, किया। okay, मैं relax. कुछ नहीं मैंने चलेगा। इट्स ओके, रिलैक्स। किसी ने नहीं सुना। इट्स ओके okay. मैंने कर लिया। कब? अभी। कभी? जब तुम पास आई तो गाल पे मैंने किस कर लिया। उतना काफी था? तुम्हीं ने कहा था ना छोटी सी किस। इतना क्या नाटक कर रहे हो यार? ए, वर्षा, अरे सोच लो, अगर किसकी तो शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। What did you do? वर्षा, ए, वर्षा, वर्षा। 12 बज गए। तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन गिफ्ट कल दूंगा। नहीं चाहिए। क्यों? तुम हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। बताती हूँ। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। थोड़ा बिजी था, भूल गया। भूल गए? अभी से? इम्पोर्टेंट था तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया? सब कुछ मैं ही करूंगी तो तुम क्या करोगे? पापड़ खाओगे? गलती मेरी है, मैंने जल्दी कर दी। तुम्हें आगे पीछे नहीं घुमाया और बहुत जल्दी राइट आई लव यू बोल दिया। पूछते ही किस? अब से ये सब बंद। ओके सब कुछ बंद चलेगा? ओके सच में बंद? जल्दी से एग्जाम खत्म करो और कैंटीन में आकर मिला। क्यों? वहीं पर बताऊंगा। आदि, जरा भी शर्म नहीं है ना? कल रात को सब चली गई। What?
जा रहे हो? कुछ काम है सर। पर क्या है? बता नहीं सकता। ए, तुम कब आई? अभी। क्या है ये? जब देखो चॉकलेट खाती रहती हो। I love chocolates. I hate chocolates. तुम्हें चॉकलेट से क्या प्रॉब्लम है? मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे लिए एक खा लो। नहीं नहीं चलो, वर्षा, प्लीज प्लीज रुको यार, प्लीज नहीं खाना है मुझे। कहा ना मुझे पसंद नहीं। मैं चॉकलेट खिला रही हूँ और गिरा दी? ओके चलो अब नहीं खाओगे? बोलो। नो वर्षा, सुन ना, मैं ट्राई करूँ क्या? मैं खिला दूं क्या? आदि आदि प्लीज चलो यहाँ से। अरे वाह, क्या कंट्रोल में रखा है, क्या जादू किया इसने तुझ पर। अरे मुझ पर भी कर दो, हम भी कंट्रोल में रहेंगे। आदि आदि प्लीज शांत हो जाओ। आदि 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 मेरी बात सुनो। आदि आदि प्लीज, आदि प्लीज उसे छोड़ दो। आदि स्टॉप इट, आदि आदि स्टॉप इट, शांत हो जाओ। वर्षा, वर्षा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? गुस्से में ऐसा हो जाता है। देख मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तुम्हें बोला ना अनजाने में हो गया। सर कैसे मार रहे हैं उसे? सर अभी रोकिए ना इसे, ये रुकी नहीं रहा सर। आदि स्टॉप, I said stop. आदि आदि कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारी वजह से कॉलेज को कितना नुकसान हुआ पता है? बात प्रॉपर्टी की नहीं है, रेपुटेशन की है। रास्ते के गुंडे भी ऐसे नहीं लड़ते। व्हाट हैपेंड? Who started the fight? सर आदित्य ने सर। एक और मारूंगा तुझे, झूठ बोल रहा है सर। इसी ने लड़ाई शुरू की थी, वर्षा के साथ मिसबिहेव किया। सर आपको नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या बोल रहा तू? आदित्य बिहेव योरसेल्फ।
वर्षा तुम बताओ क्या हुआ था। वर्षा क्या सोनू ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया? नो सर। जब झगड़ा हुआ तो तुम वहीं पर थी? यस सर। उस वक्त तुम और आदित्य क्या कर रहे थे? सर इतनी मासूम मत बनो, मैंने तुम दोनों की बहुत कहानियां सुनी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आदि और मैं सिर्फ दोस्त हैं। फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सोनू आ गया और फिर इनके बीच लड़ाई हो गई और ये एक दूसरे को मारने लगे, बस इतना ही हुआ। और तुम्हारी ये ड्रेस? मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो उस बीच ये हो गया। आदित्य ने फाइट शुरू की थी? यस सर। आदित्य I never expected this from you. एक लड़की आज तुम्हारी वजह से नजरें झुका के खड़ी है। आदित्य स्टॉप, I am talking to you. स्टॉप। मेरा मूड खराब है। क्यों मूड खराब है? बस है तो है। देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी। आदि प्लीज। वर्षा प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं है। अगर मैं अभी कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, हर्ट हो जाओगी। मैं ये नहीं चाहता, हम कल बात करेंगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए बस। इससे बात करो। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। और अंदर जो कहा वो? अंदर जो हुआ उसका ब्लेम मुझ पर मत डालो, उसमें तुम्हारी गलती थी। What? हाँ, कितनी बार मना किया तुम फिर भी उससे लड़ने लगे, मैटर प्रिंसिपल तक चला गया। हे, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने तुम पर हाथ डाला। उसने जो किया सही और मैंने जो किया वो गलत था। तो फिर प्रिंसिपल सर के सामने झूठ क्यों कहा, मुझे क्यों फंसा दिया? चिल्लाओ मत दादी। अगर मैं सोनू की कंप्लेन कर देती तो वो बता देता कि हम दोनों क्या कर रहे थे। बात हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाती। कॉलेज के बीचों बीच तुमने मुझे प्रपोज किया, कॉलेज के अंदर अगर प्रिंसिपल को, हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? वो हालात अलग थे और ये हालात अलग है। हालात? अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी तो वो मान जाएंगे, पर अगर ये बात कंप्लेन के तौर पर प्रिंसिपल तक पहुंचेगी तो वो अलग नजरिए से देखेंगे और तुम इस बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। यस, ऐसा ही हूं मैं। जो सही लगता है वही करता हूं। तुम्हारी तरह हालात के हिसाब से बिहेव करना, प्यार करना मुझे नहीं आता। How dare you say that? मेरा प्यार समझौता है? हो, तुम सही कह रहे हो। Actually, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने मुझे टच किया। प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल के सामने तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ। मुझ पर इल्जाम लगा कि बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हो तुम। अच्छा, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ? और उस सोनू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारी ड्रेस फाड़ दी, वो ठीक है ना? अगर कल को कोई कहेगा उसका ईगो सैटिस्फाई करना है, तुम्हें हाथ लगाएगा तो ठीक है? तुम पीछे पड़े तो ठीक है, कोई और वो चीज करे तो ठीक नहीं। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है आदि, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। का पहाड़ बना देते हो तुम। कहां से शुरुआत की थी और देखो हम कहां आ गए। I hate you, आदित्य। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो। मैंने एक बात गलत बोली तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? जिससे मैं प्यार करता हूं उससे कोई हाथ लगाए तो मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए? यस,
मैं कम सोचता हूं लेकिन गलत नहीं हूं। मेरा बिहेवियर कैसा ये तुम अच्छी तरह जानती हो, तो फिर मुझसे प्यार करने की जरूरत ही क्या थी? आज वो लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी वर्षा, और ये तुम जानती हो। मैंने उसे मारा तुम्हारी वजह से, हर्ट हुआ तुम्हारी वजह से। ये कोई ईगो नहीं है वर्षा, प्यार है। पर ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। I don't care, because I'm done fighting with you and for you. I'm breaking up with you, वर्षा। तुम ये deserve नहीं करती। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। प्रकाश को ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। 2 लाख रुपए तनख्वाह है। रुपए नहीं, डॉलर्स मॉम। हाँ, वही वही। अच्छा, हमारे प्रकाश से देखिए ना, इसे समझाइए ना जरा। ठीक से बैठो। आदित्य सिट प्रॉपर्ली। आदित्य हमारे प्रकाश से कुछ पूछना चाहती हो? प्रकाश कौन? मैं प्रकाश हूँ। सॉरी, मैं भूल गई थी। आप तो लंदन में पैदा हुई हैं ना, तो यहाँ इंडिया में क्या कर रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो आदित्य? मॉम की बात नहीं सुन सकते? सॉरी मैम, चल। आप इसे जानती हो क्या? नहीं। तो फिर इसका नाम क्यों लिया? उसकी माँ ने उसे आदित्य कह के पुकारा था, तो दिमाग में रजिस्टर हो गया। Forget it, बोलो प्रदीप। प्रदीप कौन? आप ही ना? फिर से नाम भूल गए आप। सॉरी, रजिस्टर नहीं हुआ। बाय वर्षा। बाय प्रसाद। इट्स नॉट प्रसाद, प्रदीप। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्रकाश। प्रकाश नाम है मेरा, प्रकाश जो कर दे अंधेरे का विनाश। नाम मत भूलना। हाँ, हर बार नाम भूल जाती है यार। जब कोई लड़की आई लव यू कहती है तो बहुत खुशी होती है, पर उससे 100 गुना ज्यादा दुख तब होता है जब वो आई हेट यू कहती है। वही दुख हम दोनों को दूर कर चुका था और मुझे बहुत दूर लेकर आया था। कभी कभी हम जो सोचते हैं जिंदगी में वैसा बिल्कुल नहीं होता। मेरी लाइफ उल्टी पुल्टी हो चुकी थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं उसे फिर से रीसेट करना चाहता था, तो मैंने तय कर लिया, अब से जहां भी जाऊंगा हर चीज मेरी पसंद की होनी चाहिए। आसपास जो लोग होंगे वो भी मेरे पसंद के ही होने चाहिए। चैलेंज जो भी हो, जीत मेरी ही होनी चाहिए। याद है ना रवि, मेरा बेस्ट फ्रेंड, अब मेरा क्लासमेट और रूममेट भी है। कविता। ये कविता है, हमारे हाउस ओनर की बेटी और रवि की गर्लफ्रेंड। हाँ, आखिरकार मेरे दोस्त को प्यार हो ही गया। क्या हुआ रवि, आदित्य के फर्स्ट आने का कोई चांस है क्या? पता नहीं, सारे रिजल्ट सील थे। यार कविता, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। यहाँ हम टेंशन में हैं और वहाँ राजू को देखो, देखो क्या कर रहे हैं। इसका नाम सूरज है, मेरा रूममेट, प्यार से इसे राजू कहते हैं। इसके बारे में और जानना है तो इसके गाँव जाना पड़ेगा। बाएं जाएगी। नहीं रे दाएं। मैंने बोला ना बाएं जाएगी। बोला ना दाएं। बाएं जाएगी 500 रुपए। दाई तरफ 1000 रुपए। बाएं जाएगी 5000 रुपए। देखा ना, अरे सूरज हूँ मैं, कोई मजाक थोड़ी हूँ। बोला था ना भैंस बाई तरफ ही जाएगी।
चल पैसे निकाल। देखा पूरा जीत लिया। ए राजू पागल हो गया क्या? जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो तेरी गांव की जमीन बेचनी पड़ेगी, समझा? ओ उधर से हम इधर, हमारी जमीन बेचने के लिए नहीं आए, इधर से खरीद के ले जाने के लिए आए। आदि कहाँ है? कब से मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। कॉल करो उसे। तू इधर आ रहे। चैलेंज करता हूँ, आदित्य टॉप थ्री में रहेगा। एक पाउंड की जगह 2 पाउंड की शर्त लगी। थर्ड प्लेस गोज टू हेनरी ट्रॉप। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तुम्हारी लाइन उड़ते हैं। कॉल करो। सेकंड प्लेस गोज टू। उठाया या नहीं? अरे फोन नहीं उठा रहा यार। लोई चार्ज। कंग्रेचुलेशंस। फोन कट कर दो। क्यों? यहाँ की हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडियन को फर्स्ट रैंक नहीं मिला। इसने चैलेंज एक्सेप्टेड का मैसेज किया, पागल हो गया क्या? And the first place in the Masters of Architecture goes to K. Aditya Shekhar. Alare! क्यों बे, पसंद आई क्या? नहीं। ए सच बोल। अरे वैसे बोलना। ठीक है रुक, अभी आया। अभी हाय, आप अर्पिता है ना? No, I'm Sunaina. Sunaina? आप आदित्य की गर्लफ्रेंड हो ना? No. Are you sure? Who the hell is Aditya? Who the hell is Aditya? आदित्य कौन है? Hey guys, आदित्य कौन है बोल रही है? Guys, आदित्य को नहीं जानती बोल रही है। इसको तो एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। लंदन में रहकर लंदन ब्रिज नहीं पता। आदित्य Come on, Prince. Meet Aditya. चल सेटिंग कर ले। Hey, I'm sorry about my friend. Hi, I'm Aditya. What are these cheap wingman tricks or something? I don't fall for them. अरे देशी का आदत है, इंग्लिश मारो तो हैंगओवर हो गया रे बाबा। आदित्य बेटा। ये है दुनिया का 8वां अजूबा। कविता का बाप, हमारा ओनर, भारत से आए हुए लोगों पर ये खास प्यार नुछावर करता है। मुझ पर तो लट्टू है, हम सेम कास्ट के हैं ना? नमस्ते सर। कांग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू बेटा। अरे ये सब क्या है? अरे बेटा तुमने जो काम किया उससे हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई। हमारे देश का नाम उसने ऊंचा कर दिया अंकल। मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह अपना थोड़ा लेकर आ जाता है। नहीं तो क्या, सुबह सुबह आपके लिए मुल्तानी मिट्टी लगा के रेडी रहे। मेरे को मत सिखा, मेरे को पता है क्या बोलना है। क्या बका तूने? आपको रेंट चाहिए कि रिस्पेक्ट चाहिए, ये पहले डिसाइड कर लो। आपके जैसे लोग ही हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। आई कांट टेक दिस। अरे अंकल, अंकल प्लीज जरा इस कुदरत को देखिए, झाड़ है, फूल है, कितनी शांति है यहाँ। बाकी आप कैसे हैं अंकल? अरे हाँ, तुम्हारी बात से याद आया, जरा अपने घर वालों का नंबर दे। क्यों? अरे हम बुजुर्ग लोग हैं ना, हमारे पास बात करने के लिए बहुत टाइम होता है। उनसे बात करूंगा तो टाइम पास हो जाएगा। फोन नंबर दो ना। आदि One second. कविता बुला रही है। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? मेरे पापा तुमसे मेरी शादी करवाने का प्लान कर रहे हैं। What? Yeah. Don't worry, I'll manage. और अगर किसी तरह मेरे पापा रवि के नहीं मान जाए तो? देखो कविता, तुम्हारी शादी मेरी जिम्मेदारी, ओके? थैंक यू। अरे आदित्य भाऊ, इस डिब्बे में क्या है जरा सूंघ कर बताओ ना।
ये डिटर्जेंट है। धूप चमाइला डिटर्जेंट है। मैंने दूध में मिलाकर पी लिया, अब क्या होगा? अरे अरे कहाँ जा रहा है? बड़े लंदन में कांड करके छोटे लंदन जा रहा हूँ। सुन, पानी नहीं आ रहा है, पेपर यूज कर ले। लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या है इसमें? तिल के लड्डू है, इंडिया से आए हैं। तब मेरे लिए है। इन सबको एक एक देकर बाकी तुम खा लेना। रात को तुम खिलाना। बस करो, माँ देख रही है। ए, क्यों बताया तुमने? कितना मजा आ रहा था, फ्री एंटरटेनमेंट हो रहा था। हाय आंटी। हाय आंटी। हाय। बस कैजुअली बात कर रहे थे। ऐसा लग तो नहीं रहा बेटी। अरे जल्दी से शादी कर लो। अब सब कुछ आदि के हाथ में आंटी। बेटा तो इसकी हेल्प कर रहा है ना, ये मुझे पसंद नहीं। क्यों क्यों आंटी? क्या आंटी, तुम्हें फ्रेंड की मदद करनी चाहिए या नहीं? क्या वो हमेशा सिंगल ही रहेगा? जवाब दो मुझे। अरे आंटी आपको पता नहीं, पिछले 6 महीने में मैंने इसे इतनी लड़कियां दिखाई हैं कि मैं क्या बताऊं। पर इसे कोई पसंद नहीं आती। कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई पतली है, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर भाग जाता है आंटी। अच्छा, वो सब छोड़िए आंटी, कल इसे मैंने एक इंडियन लड़की दिखाई, सब कुछ सही होने के बाद बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आंटी, आप ही बोलिए। मैंने किसी लड़की को टच भी नहीं किया। क्या? अरे हमारे गांव में जब ऐसे टचिंग होते थे ना तो गांव वाले पंचायत रख के शादी करवा देते थे। नमस्ते आंटी जी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ए, आता माँ से मुझे पर्सनल बातें करनी है। तुम लोग किसको? अरे नाराज क्यों हो रहा है? Where is Aditya? Have you considered my offer? I'll take the offer only if my friends are on my team. Yeah, India jeetega. Maine tere ko pehle hi bola tha na. Fine. Stop I'll meet it. You in the office tomorrow. Aditya, this is Krishna, Mike's assistant. Boss is waiting. Cool. New Hampton mein modern and trend constructions hai. हमें 1000 acre में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके लिए हमारी कंपनी को रो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। And we want you to design the best row house model. Don't worry, man. We got it. Work को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो अब तुम संभालोगे। पर हमारी जॉब सिक्योर रहे इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मतलब? अरे मतलब बहुत सिंपल है, जो भी साइट मैनेजर होगा उसे बस अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे। हेलो। ए रवि, तुम्हें आने में कितना वक्त लगेगा? अरे यार हम लोग इस वक्त नहीं आ सकते। मतलब क्या कर रहे हो? यार मैं और कविता कुछ पर्सनल काम में बिजी हैं। चल फोन रख। क्यों राजू भाई, क्या देख रहे हो? इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है, विराट कोहली 6 मारेगा तो अनुष्का शर्मा देखेगी और उसके ऊपर मैंने पैसा लगाया। क्या बात है, तूने हाइलाइट्स पर पैसा लगाया? क्या हाइलाइट है? तेरे जैसे गधों की वजह से ना अंग्रेज हमें लूटते आए हैं। लंदन के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर फर्म ने मुझे नौकरी दी और उनके सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का मुझे हेड बनाया। That's just what I want. Life is perfect. अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। Hey Aditya, come over here. I would like to introduce you to the site manager. अरे आ गया तू। साइट मैनेजर अच्छी है ना यार? तू पहले से जानता था ना? जानता था, इसीलिए तो मैंने तुझे भेजा। एक बात बता, अगर मैं बोल भी देता तो तू क्या करता? प्रॉब्लम क्या है यार, तू भी सिंगल है और वो भी सिंगल होगी, अगर तुम दोनों मिंगल कर लो तो तुम दोनों का भला हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? क्या बात है, बैठ उठाया।
क्रिकेट का प्लान कर रहा है क्या? क्या पागल है क्या? बॉल कहाँ है इसके पास? तू है ना? क्या कहा? अरे ये क्या कर रहे? पहले बैट नीचे रख। अरे मैं बोल रहा हूँ बैट नीचे रख। हाँ नीचे रख। बैट नीचे रख। मेरे को बोलो विकेट क्यों काट दिया? आदित्य मार दे उसको जान से। जो भी होगा मैं देख लूंगा। छोड़ा नहीं उसे। छोड़ूंगा नहीं मैं। कविता तुम बीच में मत पड़ो। आदि स्टॉप। कविता मूव। आदि ले कविता रूम कहाँ है? वर्षा मुझे नहीं पता था तुम भी यही होगे। अबे ये तो वर्षा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यही हमारी साइट मैनेजर है। माँ कसम साइट मैनेजर लड़की है बस इतना पता था, पर वो लड़की वर्षा होगी ये बिल्कुल नहीं पता था भाई। कसम से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेट, तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या? अरे तू एक मिनट रुक यार, हैदराबाद की वर्षा यही है। व्हाट? ये यहाँ क्या कर रही है? अगर साइट मैनेजर यहाँ पेइंग गेस्ट रहेगी तो हमारी जॉब सिक्योर रहेगी। ये किसने कहा? रवि ने कहा। प्लीज भाई ऐसा होगा मुझे नहीं पता था। ये यहाँ नहीं रह सकती। आदि व्हाट इज दिस? कविता मैं जाकर होटल में ही रहने वाली थी और तुमने कहा कि यहाँ आ जाओ। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कविता वर्षा आखिरी बार कह रहा हूँ इसे यहाँ से भेज दो वरना। नहीं भेजा तो? तुम्हारे पापा को हाँ कहकर तुमसे शादी कर लूंगा फिर देखना। आदि और क्या भाई, तूने कहा था कि हमारी शादी करवाएगा और अभी तू पलट गया। ऐसा मत कर यार, मैं तेरे पांव पड़ता हूं यार। करेक्ट पोजीशन यही है। कविता ये कौन है? वर्षा बताया था ना पापा। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कहाँ से हो बेटी? हैदराबाद। पापा का नाम? माधवराव। माधवराव और तुम्हारा सरनेम? आई लम्बर गए, अब ये पूरा इतिहास निकालेगा। पता है बगल का घर किसका है? किसका है? हमारा है। वो आपका है? अरे बेटा ये सब अपने ही लोग हैं। हाँ सब अपने ही लोग हैं। चुप है। बेटा ये सब अपने ही शहर से हैं। तुम बहुत थक गई होगी। हाँ। चलो आराम करो। बता बेटा कैसा बना है? फ्रेश मटन लेकर आया था, अच्छा बना है ना? राजू एक टुकड़ा देना मुझे। छोटा क्यों दे रहा है? सारे टुकड़े छोटे हैं तो मैं क्या करूं? ए ठीक से बात कर, देख रहा हूँ तेरे नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। पापा वर्षा। ये क्या है बेटी, लगता है मेरे लिए कुछ बना कर लाई हो। अंकल मैं आपके लिए चॉकलेट केक बना कर लाई हूँ। वाओ लुक्स डेलिशियस। वाह 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 बेटी, तूने मुझे ये खिला के अपने देश की याद दिला दी। अरे आदि केक खा लो, बहुत बढ़िया बना है, सुपर। रुको रुको मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अंकल अंकल एक मिनट, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। पर बेटा आदि आदि सुनो, आदि 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 वेट, आदि रुको मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज आदि वेट। वर्षा सॉरी मैं। आदि प्लीज, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ इट्स ओवर, भूल जाओ उसे। मुझे भी बहुत दुख हुआ, पर हम सब कुछ भूलकर फ्रेंड्स की तरह तो रह सकते हैं ना? और ऐसे काफी लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स रहते हैं, हम भी तो रह सकते हैं। मुझे लाइफ में दो चीजें पसंद नहीं है, एक चॉकलेट और दूसरी तुम। फ्रेंड्स बनकर आएंगे, जाकर काम करो अपना। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो तुम जैसा चाहो वैसे अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, लेकिन कल से हम एक ही ऑफिस में काम करने वाले हैं। एंड यू हैव टू रिमेम्बर मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ, मुझसे हर चीज अप्रूव करवानी होगी, याद रखना। क्या है ये? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। व्हाट? क्यों? मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा। तुम अब भी नहीं बदले आदित्य, जल्दबाजी और गुस्से में ही हमेशा फैसला लेते हो। मेरे हालात इतने खराब नहीं हुए कि ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़े, यही मेरा फैसला है। फाइन, आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन लेटर। तुमने अपने फ्रेंड से कहा? उनसे कहूं ना कहूं क्या फर्क पड़ता है? अरे
तुम सब अपना सारा सामान पैक कर लो, चलो। आदि 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 प्लीज यार, एक मिनट रुकना, बैठ के डिस्कस करते हैं। hey, डिस्कशन के लिए वक्त नहीं है, चलो लेट हो रहा है, जल्दी। आदि लिसन, सिट, एक मिनट बात करते हैं। बैठो, ठंडा दिमाग से सोचते हैं। कूल, अभी नौकरी छोड़ के जाएंगे तो कहीं से चलेगा? आखिर हुआ क्या है? ए रवि, तू समझाना। करेक्ट बोल रही है, अगर हमारे पास जॉब नहीं हुआ तो बैंड बच जाएगी। वैसे भी ये मेरे पापा की नजरों में तो गिरा हुआ है, मार्क्स कम है, ऊपर से जॉब भी नहीं रहेगी, और इससे शादी का कहूंगी तो चप्पलों से मारेंगे। पर मैं वर्षा के नीचे काम नहीं कर सकता। अरे उसके नीचे कौन काम कर रहा है? हम सेकंड फ्लोर पे हैं और वो फर्स्ट फ्लोर पे, टेक्निकली वो हमारे नीचे काम कर रही है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अब समझने समझाने से कोई मतलब नहीं है। अब कोई सीरियल टीवी पर पसंद नहीं आता तो भी हम टीवी देखते हैं ना। क्वेश्चन हमको पसंद नहीं है फिर भी एग्जाम तो देना पड़ता है, ये भी वैसा ही है। पर मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैं बात करूंगा ना, मैं हूँ तेरे साथ, प्लीज। आदित्य भाऊ ने रिजाइन लेटर वापस लेने का फैसला कर लिया है। अच्छा, वो क्यों? वो क्या है, हम सब ने मिलकर उसको समझाया तो ठीक से तो काम करेगा ना। उल्टा कोई जवाब नहीं देगा, वेरी टैलेंटेड। और गुस्सा? वो तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। राजू, कब तक बकवास मीटिंग चलती रहेगी? चलो चलो, बहुत हो गया। कपस, कपस, कपस। चलना यार प्लीज। तो आप क्या गिड़गिड़ाऊं? अरे कौन गिड़गिड़ाने को बोल रहा है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं बोलेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे तेरे पास जो टैलेंट है उसका क्या भजिया तलेगा? आप नहीं बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। तू बड़ा हो जाएगा तो अभी अपना पावर दिखाना। अभी जरा हमको समझने की कोशिश करो। अगर इसके बाद भी तो ऐसा रहेगा ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ठीक है, अगर तुम सब इतना ही कह रहे हो तो मैं इसका रेजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट करती हूँ। अब तक थैंक यू देवी माँ। देखा किस तरह डरा के मैंने हाँ करा लिया। थैंक्स बोल रहे? अरे तुम लोग तो थैंक्स बोलो कम से कम। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे सर की कसम खाता हूँ, मैं नहीं तो मना है। क्या यार, कम से कम अपने फ्रेंड्स के बारे में तो सोचो। अब तक मैं तुम जैसा सेल्फिश नहीं बना हूं। हाँ, राजू और आदि उस टेंट में रहेंगे, मैं और कविता यहाँ पर, और वर्षा सीनियर है इसलिए वहां पर रहेगी। देखो रवि, राजू और मैं यहाँ पर रहेंगे, कविता और तुम वहां रहो। ये कहाँ रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It's okay, come. This is your site. बिना सूट के साइट पर कोई नहीं आएगा और बिना हेलमेट के भी कोई नहीं आएगा, और अरे मुझसे पूछे बिना कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ओके? नौकरी कोई भी कर लो, बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। आदि, विश किया क्या? नहीं किया। लगता है भूल गया। याद रखने के लिए कोई नेशनल हॉलिडे है क्या? Oh, what a lovely day. Hey, hi वर्षा, happy birthday. Hey, thanks. Wow, रवि, not bad. तुम्हें इसका बर्थडे याद है? अरे नहीं कविता, जब तेरा बर्थडे याद नहीं रहता तो वर्षा का कैसे रहेगा? तो फिर? अरे रात में इसने बताया था इसलिए याद है। ऐसा क्या देख रहा है? तूने ही तो बताया था। He told. तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। थैंक यू राजू जी।
अभी तक सभी लोगों ने आपको सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोला होगा, लेकिन मैं गाना गाते हुए केक लेके आया हूँ। पर आपको मेरा बर्थडे किसने बताया? रवि ने बताया क्या? रवि? रवि काय को बताएगा, आदित्य भाऊ ने बताया। अरे आप बताओ किसने बताया? फेसबुक पर देखा। मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। राजू जी, तो फिर ट्विटर, जरा इसको पकड़ूंगी। आप ट्विटर पे क्यों नहीं हो? बड़े बड़े स्टार भी ट्विटर पर होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए एक अकाउंट तो क्रिएट कर सकती हो ना। प्लीज वर्षा जी, आदित्य भाव मेरे को घूर के देख रहा है, वो मेरी आंखों में चुभ रहा है। अरे बाप रे, वो आ रहा है, मैं भागता हूँ। क्यों के लिए बटन नहीं बना रही, कितना खतरनाक हो गया। देखो वर्षा, यादें अच्छी हो या बुरी, कांटे की तरह चुभती हैं और उनसे दर्द ही होता है। क्यों बे, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? वीकेंड है तो सोचा बाहर घूम कर आते हैं। काम का क्या होगा? वो क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो पापा ने बुलाया है। वर्षा जी ने बोला कि बर्थडे है इसलिए मैं जा रहा हूँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं ठहर जाऊंगा। जाओ। सुनो आदि, लॉन्ग वीकेंड है तो तुम भी हमारे साथ चलो ना। कम ऑन आदि। हे, बी केयरफुल। सॉरी सर। तुम जैसे गधों को जॉब देंगे तो ऐसा ही होगा। पर उसे तो हिंदी नहीं आती। लेकिन हमको आती है ना, इतना भी नहीं समझी, ये हमको बोल रहा है। चले ओके, ये नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि काम है। मैं यही रहती हूँ, पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी, साइट मैनेजर हूँ ना, यही रहना पड़ेगा। ओके ओके ओके, बाय। ठीक है, बाय बाय। ओके, कैब सर्विस है, फोन कर लो, टैक्सी आ जाएगी। Looks like we found something. Hey, you looking for some company? Come on, we'll give you a ride. Just leave me. Nothing's gonna happen. What the hell? Just jump in. There you go. Hey man, why don't you just go the other way? Just from here. Garrett, why don't you just find your own way out of here? Looks like you want to fight with me. You want to fight with me? What the hell's your problem, man? Look here, what problem, man? You want to pick up a fight? What you looking at? Huh? You stop staring at me, you get that? You have no idea who you're dealing with. Hey you, look at me. You're gonna land yourselves into big trouble now. Hey! तूने मेरे शर्ट का बटन तोड़ दिया। What? Thank you.
तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरे बटन को? Hey you! Hey! Stay back! Hey mister, stay back! The guy they started the fight first. Cool, come on, tell me! Officer, he's innocent! Officer, she's lying! They're lying! Those guys tried to misbehave with me and he saved me from them! Hey! Mera button toot gaya isliye mara usse! Chup-chap baitho aur akdo mat samjhe! Ma'am, you know this guy? Yes! He's my boyfriend! Stay right there! I'm sorry about the confusion! They don't even know each other. Just stay there. I swear. You are. Trust me, sir. You have no right to speak. Trust me, officer. She's lying. Get down. On the ground. Down. Yo. Hands over the head. Adi. Sorry, उस वक्त मैंने गुस्से में तुम्हें अपना boyfriend बुला दिया था. I'm sorry. Adi. तुम बुरा ना मानो तो मुझे घर छोड़ दो. Thanks. आदि, can I say something? उस दिन कॉलेज में झगड़ा होने के बाद मैंने तुम्हारी जगह अपने आप को रखकर सोचा. गलती मेरी थी. I'm sorry. पर क्या तुमने कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचा? नहीं. अगर गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी जगह रहकर क्यों सोचो? तुझे पता है इसने क्या किया? पता है? हाँ पता है. मम्मी को भी पता है. अंकल. ओह, तो तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है. धोखा नहीं अंकल, रवि सिंसियरली कविता से प्यार करता है. सिर्फ प्यार करने से क्या होता है? इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? रवि में कमी क्या है अंकल? पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, कविता को भी ये बहुत पसंद है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? चाहिए ना कास्ट. उसकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है. 2020 की ओर पहुंच रहे हैं अंकल. इंसान अब तक चांद को छूकर आ चुका है और आप जाति की बात कर रहे हैं. मानता हूं 2020 आने वाला है, पर मैं 1970 का हूं. मेरे संस्कार नहीं बदलने वाले. आप कहते हैं हिंदुस्तानियों को साथ मिलकर रहना चाहिए, पर अपनी बेटी की शादी की बात आई तो आप जात पात पर उतर आ गए. ये कैसी हिपोक्रेसी अंकल? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण जी की. क्या वो आपकी कास्ट के? भगवान की कोई कास्ट होती है क्या? जब भगवान की कोई कास्ट नहीं तो हम इंसानों की क्यों है? देखिए ना अंकल, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों. शादी कर दीजिए इनकी, दोनों खुश रहेंगे. क्या गारंटी है कि ये खुश रहेंगे अंकल? अगर इनकी हालत तुम्हारी तरह हुई तो तुम दोनों ने भी तो एक दूसरे से प्यार किया था और अभी एक दूसरे को आंखें मिलाकर देख भी नहीं रहे. अरे कल को इनकी भी स्थिति ऐसी हो गई तो? जब दो प्यार करने वाले अलग होते हैं तो सिर्फ वो दोनों रोते हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो अलग होते हैं तो दो परिवार रोते हैं. अंकल आप कल के रोने को तो देख रहे हो, पर आज की खुशी को नहीं देख रहे. अब क्या करोगे आप? रवि को यहाँ से निकाल दोगे? कविता को इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी और से शादी करवा दोगे? अगर लड़का अच्छा हुआ तो शी विल बी वेरी हैप्पी. कुछ दिन में वो रवि को भी भूल जाएगी. पर अंकल ये याद रखना कि वो आपको कभी माफ नहीं करेगी. पापा ने मेरे प्यार को ठुकराया, ये बात उसके साथ जिंदगी भर तक उसके दिल में रहेगी. चाहे आपने उससे जितना भी प्यार किया होगा, जितना भी दिल के करीब रखा होगा, जो नहीं दिया होगा ना वो दिल में हमेशा रहेगा.
इंसान जो है ना वो अच्छी चीजें नहीं हमेशा बुरी चीजें याद रखता है और अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा अंकल मैं नहीं चाहती आपके साथ कभी ऐसा हो यार। पापा हमारी शादी के लिए मान गए वाह कांग्रेचुलेशंस ये सब तुम्हारी वजह से हुआ थैंक यू सो मच तो शादी कब है नेक्स्ट मंथ इतनी जल्दी हाँ यार जल्दी करने के लिए सोच रहे थे ससुर जी का भी मूड है व्हाई नॉट बट लिसन शादी की तैयारी तुम दोनों करोगे ओके मैं कम ऑन मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा पर तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं है डोंट वरी शादी की पूरी तैयारियां हम साथ मिलकर करेंगे थैंक यू सो मच रवि तेरे ससुर जी बुला रहे हैं थिंग्स चेंज सो क्विकली चलिए आता हूं वर्षा थैंक्स फॉर एवरीथिंग Happy birthday. Thank you. मेहंदी के रंग से ही पता चलता है कि हस्बैंड कितना प्यार करता है अच्छा अगर मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया तो रवि गया काम से वर्षा तुम्हारा रंग आया क्या ऑब्वियसली अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि अच्छा हस्बैंड मिलेगा आदि अच्छा है ना वेट 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 व्हाट पकड़ लिया मैंने व्हाट डिड यू से हाँ फाइनली तुमने एडमिट कर लिया बट वर्षा दिस इज डेस्टिनी इतने सालों के बाद ऐसे इस तरह यहाँ रियली अमेजिंग रवि भाव तुम्हारी शादी हो रही है नेक्स्ट आदि भाव की शादी हमें रुक यार अच्छा बता कब करने का इरादा है बता अरे रवि क्या बता तुम ना? पूछ रहे हो यार अरे इतना सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है क्लियरली तो भी दिमाग में बात नहीं घुसती क्या क्या मतलब अरे मेरे तले हुए तेल में उबले वड़े वो दोनों फिर से मिल गए और अब दोनों एक दूसरे को झप्पियां देने लग गए आदि भाव का मेरी कसम खा के बोलो कि तुम्हारे दिल में वर्षा के लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं है बोलो करेक्ट देख हमसे मत छुपा देख राजू हैं जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती जाती हैं पर हमारा पहला प्यार हम कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में जिस लड़की से पहला प्यार हुआ वो थी वर्षा उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आई आखिरी बार मैंने उसे 6 साल पहले देखा था अट्रैक्शन तो होना ही था बस हो गया जब तुम पहले आई थी तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहता था और अब देखो there is so much of difference मुझे तो यकीन ही नहीं होता कविता बचपन में बहुत शैतान थी मैं और मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी मुझे अपने बगल में भी नहीं सोने देती थी जाकर हॉल में सोती थी पर जब मैं सुबह उठती तो देखती कि माँ मेरे पास आकर सो गई कुछ लोगों के गुस्से में भी प्यार होता है जो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना वो लोग ही हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ये बात मैं समझ गई हूँ अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ राजू जिंदगी में सब कुछ मुझे ऐसे ही मिल गया नौकरी दिमाग ये हाइट किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी बात का डर ही नहीं लगा पहली बार जब वर्षा को ट्रेन में देखा ना तो ऐसा लगा जिंदगी मिल गई पर वो मेरे प्यार को ना बोल देगी इस बात का डर था उसके मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मैं बहुत तड़पा आज तक मैं उस दिन को भुला नहीं पाया आखिरकार हमारे कॉलेज के बीचों बीच 1500 स्टूडेंट्स के सामने उसने मुझसे आई लव यू कहा उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे प्यार की जीत हो गई क्या बात है भाऊ
क्यों खुश हो रहे हो? इतना प्यार किया कि उसने मुझे प्रिंसिपल के सामने फंसा दिया। मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल सोचता ही नहीं। 6 महीने लगे उसे आई लव यू कहने के लिए और 6 मिनट में मुझसे अलग हो गई। नहीं भाई, सब कुछ भूल जा अभी। इट्स ओवर। अरे लेकिन कुछ ही दिन पहले तो उसने तुमको पुलिस से बचाया था। मैंने सिर्फ उसकी मदद की, बस उतना ही। जब सचमुच प्यार किया था तब उसने धोखा दिया। हालात के हिसाब से अपना बर्ताव बदल दिया वो। आज उसके करीब भी चला गया ना तो कल वो मुझे हर्ट करेगी। एक बार धोखा खा लिया है, बस अब और नहीं। अरे यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है आदि? अरे सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाद में लड़की देख के पिघल जाते हैं। यार राजू, एक बार जो मैं तय कर लेता हूँ अपना इरादा नहीं बदलता। हाँ मुझे वर्षा पसंद है, लेकिन अब मुझे उससे प्यार नहीं है। Hey, what's up? आदि भाव वो जाने दे। आदि ये क्या है? ये सब तुम्हारी चीजें हैं जो मेरे पास थी। क्या रखा है तुमने इसमें? उस वक्त फेंकने को दिल नहीं माना और अब रखने को दिल नहीं मान रहा। ये साथी, मैं हालात के हिसाब से चलती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बचाया अपने प्यार को बचाने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने पुलिस से बचाने के लिए ऐसी बात की थी। उस दिन जो किया वो धोखा नहीं था। उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। और अगर ये बात तुम्हें अब भी समझ में नहीं आती तो आई कैन नॉट हेल्प इट। 6 साल की जिंदगी बिता दी, 6,000 किलोमीटर दूर आए, पर हमारा कॉलेज में 6 मिनट तक का जो झगड़ा था तुम वहीं पर अटके हुए हो। बस हो गया आदि, इट्स डन। आदि यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? ये मेरी और वर्षा की यादें हैं माँ। जब उससे पहली बार मिला था तब उसे ये जैकेट दिया था। ये अंगूठी वर्षा को देने के लिए लाया था लेकिन गुस्से से फेंक दी थी। आपने भी ये सब मुझसे छुपा कर रखा। ग्रेजुएशन की फोटो आपको भेजी थी। वर्षा के पास कैसे आ गई? तेरे लंदन जाने के कुछ दिनों के बाद वर्षा अपने घर आई थी। आंटी आदि कैसा है? प्लीज आंटी, कम से कम सॉरी बोलने का तो चांस दीजिए। वर्षा प्लीज बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और 6 महीने के बाद वो फिर से आई थी। मैं जानती थी कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, चाहे जितना भी वक्त लगे। बैठ के बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त हम कॉलेज में थे, हम दोनों इतने समझदार नहीं थे। प्लीज आंटी, आप ही कुछ कर सकती हैं। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर मैंने तुम्हें अहमियत दी। बाद में मुझे लगा कि उसका प्यार सच्चा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे बाद में समझ में आया। वर्षा यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है बेटा। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? उस वक्त तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे बेटा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? वर्षा का नाम लेते ही तुम्हें गुस्सा आता है और प्यार भी। गुस्सा आता है इसलिए उसे करीब नहीं आने देते, और तुम्हें प्यार है इसलिए किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। तुम्हारा गुस्सा कभी कम नहीं होगा, पर कभी सोचो गुस्सा ज्यादा है या प्यार। अब क्या सोच रहे हो वर्षा?
जिसके आई लव यू कहे बिना मैंने उससे प्यार किया, मेरे आई हेट यू कहने के बावजूद मुझसे प्यार करती है। उसने मेरी यादें संभाल कर रखी, उससे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं ऐसी लड़की को छोड़ नहीं सकता मां, नेवर। मैं वर्षा को लाने जा रहा हूं। जाओ बेटा। कविता, हाँ? तुमने वर्षा को देखा? नहीं, सुबह से नहीं देखी वो। ओके। Seen this girl? No, I haven't. कहाँ गई होगी? कहाँ हो तुम वर्षा? Just one clue. क्या कर रही हूं? मैं कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ। अगर दूर ही करना चाहती थी तो मेरे करीब आने की क्या जरूरत थी? तब आई थी और अब दूर जा रही हूं। हे वर्षा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। I'm sorry, please stay. क्यों? Actually, वो रिसेप्शन के बाद। रिसेप्शन के बाद? वर्षा, आई नीड यू। व्हेन आई नीडेड यू, तब कहाँ गए थे तुम? हाँ, 6 years, नॉट अ सिंगल फोन कॉल, नॉट अ सिंगल मैसेज। जब मैं तुम्हारे करीब आई थी तो याद है तुमने क्या कहा था? चॉकलेट से मेरी तुलना की, प्यार खत्म हो गया ऐसा कहा, बदलूंगा नहीं, भूल गया हूँ ऐसा कहा। हाँ कहा, लेकिन गुस्से से कहा, मैंने दिमाग से कहा, दिल से नहीं। और अब तुम्हें आई लव यू कहने के लिए यहाँ तक तुम्हारे पास आया ना, ये भी सच है। वर्षा, लाइफ में मुझे दो ही चीजों ने डिस्टर्ब किया, चॉकलेट्स ने और तुमने। पता है, जब मैं छोटा था तो पापा मेरे लिए बैग्स में भर भर के चॉकलेट लाया करते थे, खाकर मोटा हो गया था मैं। हाँ, ऐसे ही सब हंसते थे, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, पापा पर नहीं, चॉकलेट्स पर। मैंने सारी की सारी चॉकलेट्स उठाकर फेंक दी, सोचा जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखूंगा। मुझे लगा अब उन्हें खाने का मन नहीं करेगा। जब हमारा झगड़ा हुआ तो तुमसे दूर जाने का फैसला किया, पर वैसा हुआ नहीं। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। चॉकलेट्स मुझे कितनी पसंद थी ये मैं भूल चुका, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो नहीं भुला पाया। मेरा ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है कि मैं बदल जाऊं, लेकिन लाइफ में बस एक बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें हर्ट करने का बोझ अब भी मेरे दिल पर है, दिल अब भी जोरों से धड़क रहा है। इससे पहले कि ये धड़कने रुक जाए, प्लीज प्लीज टेक मी बैक। कभी तुम्हीं ने कहा था कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। आज भी मेरा यही फैसला है। पता ना किस करोगी तो शादी करनी पड़ेगी।